एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना बेडरूम मेकओवर। सो दिस इज अ मास्टर बेडरूम मेकओवर। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहती हूँ। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई डिस्क्लेमर, इस टाइम स्पैन में जाकर के आप देख सकते हैं कहाँ से मेरा मेकओवर एक्चुअली में स्टार्ट होने वाला है। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, लेट मी टेल यू अबाउट फ्यू थिंग्स कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम है स्टाइल योर स्पेस विद रुचि। तो इसमें मैं ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पर जाकर के इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज देख सकते हैं। जितने भी मेकओवर्स मैंने अभी तक करे हुए हैं वो सारे मेकओवर्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। वी रिसेंटली मूव टू भोपाल। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा सारा सिनेरियो जो भी हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट बीन 2 months। सो ये जो वीडियो रहने वाला है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहने वाला है। जो मेरा पैटर्न होता है मेकओवर वीडियोस का, तो जो सबसे पहला आपको पार्ट दिखेगा वो दिखेगा बिफोर दिस मेकओवर, ये रूम कैसा दिखता था वो मैं डाल दूंगी यहाँ पर। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो रहेगा DIY, कि मैंने इसमें क्या क्या DIYs करे हैं। थर्ड रहेगा प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर और जो भी चीजें मैं इसमें लगा रही हूँ वो रहने वाला है। देन फोर्थ रहेगा बिफोर एंड आफ्टर, एंड फिफ्थ रहेगा डिटेल्ड इन ब्रीफ चीजें कि कौन सी चीज कहाँ रखी है एंड प्रॉपर टूर। पिछले 15 सालों से इसमें टेनेंट्स ही रह रहे थे, सो आई हैव गिवन माय 100% इसको बहुत अच्छे तरीके से यू नो कोजी एंड अच्छी स्पेस बनाने के लिए। सो यस, बिना देरी करें हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द रूम। रूम में घुसते से ही एक बड़ा सा शेल्फ आता है जिसको हमने कवर करवा दिया है वुडवर्क के थ्रू, एंड काफ़ी बड़े साइज का रूम है ये। इससे पहले इसमें दूसरे कलर्स थे जिसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी कि पहले ये कैसा दिखता था। हम लोगों के आने से पहले मेरे फादर एंड लॉ ने इसको पूरा वाइट करवा दिया था, बिकॉज मुझे पता था कि वाइट बेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या करेंगे, थोड़ी सी प्लानिंग करके देखेंगे। सामने एक विंडो है एंड दिस इज़ द मेन डोर, और यहाँ पर एक और वार्डरोब टाइप का है, शेल्व्स बने हुए थे ऑलरेडी, तो इसको भी हमने कवर करवा दिया है वुडवर्क की हेल्प से। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। बिफ़ोर वाइट वॉश इसका कलर कैसा था वो भी मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स डाल देती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहले से लेकर के रखी थी ताकि मैं प्लान कर पाऊँ कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या क्या है। एंड ये छोटी सी क्लिपिंग है जैसा ये पहले दिखता था रूम। तो यहाँ पर मेरा जो वर्क स्पेस है मैं उसका एक छोटा सा यू नो आप ये बोल सकते हैं थोड़ा इल्यूशन बना रही हूँ, विजन क्रिएट कर रही हूँ कि मुझे एग्जैक्टली वो कैसा चाहिए। एंड प्लीज़ बेयर विद मी, मैं कोई बहुत यू नो अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं जैसे ऐसी टेढ़े मेढ़े बना रही हूँ मुझे समझने के लिए कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो मेरा यहाँ पर टेबल रखेगा और रखाएगा, और उसके पीछे यहाँ पर मैंने पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड एक डिज़ाइन लिया है जो कि मैं वॉल पर पेंट करने वाली हूँ। और उसके साइड में मेरा एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, एंड उसके साइड में एक और चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, एंड यहाँ पर मैंने शेल्व्स लगाने का सोचा है। तो ऐसा फिलहाल मैंने प्लान किया है अपने वर्क स्पेस को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एशियन पेंट्स का ऑरेंज कलर लिया है जिसका शेड नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड एक्चुअली ये तब की क्लिपिंग है जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल से घर आई थी और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आई थी, और मैंने फटाफट से पेंट कर दिया था। पीछे अभी ये अनइवन इसलिए लग रहा है बिकॉज मैंने मास्किंग टेप लगाया हुआ है। फाइनल रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी सिंपल था इसको पेंट करना। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे एक और DIY क्रिएट करने से। तो ये जो वॉल फ्रेम है आपने मेरे लास्ट लिविंग रूम मेकओवर में देखा होगा जिसको मैंने यूज़ किया था, अब हम इसको अगेन रिक्रिएट करने वाले हैं। तो ये एक्चुअल जो इसका डिज़ाइन है ना वो इस तरीके का था, मैंने होम सेंटर से 3 लिए थे जो मुझे एग्जैक्टली बहुत पसंद नहीं है। तो इसको मेकओवर देने के लिए मैंने इस तरीके के कैनवस शीट्स लिए हैं और उनको कट कर लिया है, और अब मैं कॉर्नर्स में मास्किंग टेप लगा रही हूँ जस्ट टू क्रिएट दी एकदम प्रॉपर वाला जो स्क्वायर होता है ना वो। एंड मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर इन तीनों को एक साथ ऐसे लगा दिया है, और अब मैंने प्लेट्स लिए हैं एंड बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा लाउड भी ना दिखे येट कलरफुल भी हो और मेरे एक लिविंग रूम मेरे एक बेडरूम को अच्छा सा लुक दे। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग साइज़ की प्लेट्स ली हैं और उससे इस तरीके के सर्कल्स बना दिए हैं। तो तीनों शीट्स में मैंने सेम तरीके के सर्कल्स बनाए हैं, और इनके अंदर अब मैं कलर्स करना स्टार्ट करूँगी। तो जो मेरी कलर स्कीम है वो काफ़ी कलरफुल एंड वाइब्रेंट सी है, बट
मुझे बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं चाहिए, मतलब इट शुड बी यू नो बैलेंस्ड होनी चाहिए, बहुत कलर्स ही कलर्स ना देखें, थोड़ा बैलेंस बैलेंस देखें और बहुत वाइट वाइट ना देखें, ऐसा मेरा कुछ कंसेप्ट था दिमाग में। या तो एक्रेलिक कलर्स यूज़ करे हैं या फिर मैंने चॉक पेंट ही यूज़ करे हैं, इनफैक्ट आप पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारे इनका जो कलर्स हैं वो फिल करती जा रही हूँ। मैंने एक लास्ट में कटोरी की हेल्प से एक और सर्कल बनाया है जो इन दोनों सर्कल से थोड़े से साइज़ में छोटा है, और उसमें भी अभी मैं कलर्स फिल कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, मतलब मुझे बस रैंडमली जैसे कलर्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ पेस्टल्स भी फिल कर रही हूँ, लाइट डार्क ऐसे सब कॉम्बिनेशन में कलर्स मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ। लास्ट में जब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है तो मैं यहाँ से पूरा साइड से जो इसके मास्किंग टेप मैंने लगाया हुआ था ताकि एक प्रॉपर स्क्वायर आए, उससे बाहर ना जाए मेरी पेंटिंग, वो मैं सब निकाल रही हूँ। एंड बिल्कुल साइड में आप देखेंगे तो मैंने स्केल की हेल्प से पेन, ब्लैक पेन जो होता है उसकी हेल्प से यहाँ पे मार्किंग कर दी है, सो दैट वो और ज़्यादा यू नो क्लीन एंड थोड़ा प्रोफेशनल लुक आए और ऐसा लगे ना कि यू नो थोड़ा अनइवन सा कुछ बनाया हुआ है मैंने। और फेविकॉल की हेल्प से मैं इसको अगेन जो मेरी पेंटिंग है, जो एक्चुअल रियल वाली पेंटिंग है, उसके ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी। आराम से ये निकल भी जाता है, मतलब पेंटिंग ख़राब नहीं होती है, मैं ऑलरेडी पहले भी एक बार स्टिक कर चुकी हूँ एंड वो पेंटिंग एज इट इज़ रहती है। इसकी फ्रेम्स क्योंकि बहुत अच्छी लगती है तो वो दिखने में लुक बहुत अच्छा आता है। But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to.
ओके गाइस, सो दिस इज द एंट्रेंस डोर ऑफ द रूम. डोर के लेफ्ट साइड का जो वॉल है उसमें मैंने यहाँ पर मैक्रेम की चीजें लगा करके रखी हुई है. दिस ब्यूटिफुल मैक्रेम लैम्प, वॉल लैम्प, ये मुझे लास्ट मेकओवर में भी आपने मेरे देखा होगा, ये मुझे मेड इन कोटा ने भेजा था. शी मेक्स अमेजिंग मैक्रेम डिजाइंस एंड मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मुझे पता था कि इस बार भी मुझे ये यूज तो करना ही करना है फॉर श्योर. उसके बाद जिस साइड में मैंने एक और मैक्रेम का डिजाइन लगाया हुआ है, दिस इज अ वॉल हैंगिंग बाय विश्वा. ये भी मैंने आई थिंक अपने जो मुंबई वाले मेकओवर है उसमें काफी बार बताया था विश्वा के बारे में भी. आई विल लिंक दोनों के जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक दैट आउट. दे बोथ मेक अमेजिंग डिजाइंस ऑफ मैक्रेम. उसके बाद आता है ये इस तरह का विंडो. विंडो के बैक साइड में एक डक्ट एरिया आता है, तो दैट इज अ ओपन स्पेस, तो यहाँ से काफी यू नो हवा वगैरह आती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई कर्टन्स वगैरह यूज नहीं करे हैं. सो दैट सामने एक विंडो है, इधर एक विंडो है, तो अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे. एंड दिस रूम इज थोड़ा अंदर को है, मतलब ये वाला जो बेडरूम है ये अंदर साइड में है, तो यहाँ पर नीचे वाले बेडरूम में इतनी ज्यादा सनलाइट नहीं आती है. सनलाइट एंड जो नॉर्मल लाइट है वो नहीं आती है. आप जितनी भी अभी लाइट्स देख रहे हैं सब आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से इतनी रोशनी है, अदरवाइज यहाँ पर लाइट्स इतनी ज्यादा नहीं आती है. सो दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन कि मैंने वो वाला जो ऊपर वाला विंडो है उसको मतलब कर्टन वगैरह नहीं लगाए, सो दैट क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे. उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो ये रहा हम लोगों का छोटा वाला बेड साइड टेबल, और यहाँ पर एक टेबल लैम्प लगा दिया है मैंने. ये टेबल लैम्प अगेन वही सब जितना भी जो भी मेरा पुराना सामान था मैंने मोस्टली वही यूज किया है. नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल बेडशीट विच आई गॉट फ्रॉम अमेज़न. बाद आते हैं ये ऊपर वाली जो तीन फ्रेम्स हैं ये मैंने DIY करा है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा DIY वाले वीडियो में. कमिंग टू दिस साइड, दिस इज माय अनदर बेड साइड टेबल जो कि थोड़े बड़े साइज में है, तो वो जो छोटा वाला है मैं उस तरफ रख दिया है, ये थोड़े बड़े साइज में. अगेन यहाँ पर एक लैम्प लगाया है, और ये भी मेरे पास काफी पुराना सा है, जस्ट मुझे एक कलर ऐड करना था ब्लू कलर का, और इसमें ऑरेंज कलर का थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, तो आई जस्ट केप्ट इट हियर. नाउ अब हम लोग आते हैं डोर के राइट हैंड साइड पे. अभी मैंने आपको लेफ्ट साइड का एरिया दिखाया है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू राइट हैंड साइड का एरिया. दिस इज द डोर जिसमें मैंने अभी कर्टन लगा करके रखा हुआ है ताकि आपको बाहर का ना दिखे. तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, ये चेस्ट और ड्रॉर है जो कि मैंने IKEA से मंगवाया था, और ये अभी नहीं मंगवाया था. अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियो में तो ये मैं बहुत पहले, आई थिंक 3-4 months पहले, जब मैं सेकेंड बेडरूम को मेकओवर करने वाली थी ना, उसके लिए मैंने ये मंगवाया था, बट ये ओपन होके नहीं रखा था. ये एंड ये जो छोटा वाला है ये दोनों मैंने तब का मंगवाया हुआ है, 3-4 months हो चुके हैं ऑलरेडी, तब लेकर के आई थी मैं, तब का मैंने मंगवाया हुआ है. मुंबई में ही आ चुका था ये, एंड इसको इंस्टॉल करने का मुहूर्त यहाँ पर निकल करके आया है, एंड फाइनली ये यहाँ पर यूज हो रहा है. ये जो बॉक्स है ये आपने विक्की के रूम में देखा होगा आई थिंक लास्ट वाले मेकओवर में, ये हम बहुत पहले लेकर के आए थे जब मैं फर्स्ट टाइम IKEA विजिट करी थी, तब मैं लेकर के आई थी, और ये विक्की ने पसंद किया था. ये एक्चुअली में 1600 या 1400 का था, एंड आफ्टर डिस्काउंट ये 400 में मिल रहा था, तो उसने उसके लिए यूज किया था. बट जब उसने इसको ओपन किया और इसकी क्वालिटी देखी तो उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने बोला मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ. तो एक फिर मैंने ले लिया बिकॉज मुझे पता था कि मेकओवर वगैरह में मैं यूज कर सकती हूँ. तो एक अच्छा सा शेल्फ टाइप का है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी क्वालिटी एक्सपेक्ट अच्छी मत करिएगा, मतलब इनफैक्ट इसको इंस्टॉल करने में जो पीछे का है ये भी हमारा टूट चुका है, वो तो जैसे तैसे DIY करके जुगाड़ करके इसको मैंने लगा दिया है, बट ये टूटा हुआ है. तो इसके अंदर कुछ नहीं, एक सिंपल सा फोटो फ्रेम रखा हुआ है, एंड छोटे मोटे प्लांटर्स रख दिए हैं. यहाँ पर एक क्यूट सी लाइट लगा दी है मैंने, सो दैट यहाँ पर थोड़ी रोशनी वगैरह आए. ये जो आप देख रहे हैं ये इंक बकेट के प्लानर का बॉक्स है, ये अलीसा सुजा के प्लानर का बॉक्स है, और ये खुद से एक प्लानर रखा हुआ है. प्लानर के ऊपर मैंने एक ये नॉर्मल सा मेक योर डे ऑसम वाला कोट लगा दिया है ताकि सो के उठे तो डायरेक्टली इसके ऊपर नजर जाए. सो नाउ कमिंग टू दिस ब्यूटिफुल टेबल लैम्प, आई थिंक ये मैंने अपने जो अमेज़न का हॉल वीडियो है उसमें शेयर भी किया था. इतने प्यारे मल्टी कलर में दिया हुआ है, मतलब ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है. इनफैक्ट तब तक मैंने थीम भी डिसाइड नहीं किया था जब मैंने इसको अमेज़न पे देखा, ये सिर्फ 400 या 499 ऐसे कुछ रुपीज का है. जब मैंने इसको देखा था तो आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मैं कहीं ना कहीं इसको फिट कर दूंगी बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्यूट. एंड यहाँ पर ऊपर मैंने ये बहुत ही प्यारा सा वॉल आर्ट लगाया हुआ है, तो ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजा था नेहा, उसका भी इंस्टाग्राम पेज है. Now coming to this side, I really wanted to do this kind of a wall art बहुत time से. Pinterest inspired, Pinterest पे आपको बहुत सारे ऐसे designs मिल जाएंगे, you know, ऐसे arc बनाया हुआ या circle बनाया हुआ, ऐसे बहुत सारे designs मिल जाएंगे. So मैंने यहाँ पे orange color choose किया है, मुझे थोड़ा सा dark and bold color choose करना था because बहुत ज़्यादा white हो गया था ये पूरा घर. काफ़ी minimal तरीके से I have just decorated it. One, this is my new study table जिसके बारे में I think मैंने अपने Amazon haul में share भी किया था. ये basically है IKEA
IKEA का, बट मैंने Amazon से मंगवाया हुआ है. बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये इसमें, जबकि मैंने IKEA के स्टोर पे इसको देखा भी नहीं था, बट स्टिल मैंने जब इसको Amazon पे देखा था, आई वाज लाइक मुझे क्योंकि वर्क यूनिट चाहिए ही चाहिए था. वो वाला जो वर्क यूनिट है वो शिफ्टिंग के टाइम पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. एंड उसके बाद ये यहाँ पर एक ये छोटा वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जो कि काफी सस्ता आता है. आई थिंक ये 2500 या 2800 रुपए का मुझे मिला था. एंड दिस इज वेरी गुड, ये मेटल का है एंड इसके अंदर सारे मेरे जितने भी कलर्स है जो मैं यूज करती हूँ DIY के लिए, वो सारा सामान मैंने यहीं रख लिया है ताकि मुझे अगर DIY करना हो तो आई कैन डू इट हियर ओनली. जो हम लोगों ने डाइनिंग टेबल के लिए, जब हमारा फर्स्ट डाइनिंग टेबल था उसके लिए जो हमने प्लास्टिक की चेयर्स हम लोग यूज करते थे, उस चेयर के ऊपर मैंने इस तरीके से कवर लगा दिया. चेयर को एक नया लुक भी मिल गया है और ये काफी अच्छी लगती है, ऐसा लगता नहीं है कि प्लास्टिक वगैरह की चेयर है. टू दिस साइड, दिस इज माई वार्डरोब जो कि हम लोगों ने वुडवर्क करवाया है. मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा क्या क्या वुडवर्क हमने करवाया है. एक तो ये पूरी वार्डरोब हम लोगों ने कवर करवाई है और उसके बाद जो ऊपर वाला आप स्पेस देख रहे हैं वो भी हम लोगों ने कवर करवाया है. तो जो ऊपर वाला स्पेस से वहां पर जो ऐसे कपड़े होते हैं जो मैं बहुत ही कम, जैसे वन पीस वगैरह तो अभी यहाँ पर नहीं इतना मतलब बाहर पहनने वाले हैं, और वैसे भी ठंडा भी काफी वेदर हो चुका है भोपाल का. ये चीजें मैंने पैक करके, जो गोवा वाले टॉप्स होते हैं ये सारी चीजें मैंने पैक करके सब ऊपर रख दिया है. रेगुलर वेयर के कपड़े होते हैं वो सब मैंने इसमें रख दिया है. तो लेट मी शो यू, दिस इज माई वार्डरोब. एंड ये सारी चीजें थी समर वेयर है, वो सब मैंने ऑलरेडी बेड बॉक्स में रख दिया है. जो नॉर्मल टॉप्स वगैरह है, जीन्स वगैरह है, वो सब मैंने यहाँ रख दिया जो मेरे को यहाँ पे पहनने के काम आएगा. इवन मैंने कुछ विंटर वेयर्स भी यहाँ पर निकाल के रख लिए. तो ये थी मेरी वार्डरोब. ओपन होती है टूवर्ड्स द जो ड्राई एरिया है, या पोर्च एरिया बोल सकते हो, लॉबी बोल सकते हो, उस तरफ में ओपन होती है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो सामने विंडो है और ये वाली विंडो है, तो दोनों तरफ से अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होता है. मेरा ड्रेसिंग टेबल, आफ्टर दैट वी हैव अ वॉशरूम कॉर्नर वाले एरिया में, और उसके साइड में बेड है. तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कॉर्नर वाला क्या सोच करके मैंने एरिया बनाया है. तो ये एक अच्छी खासी यहाँ पर मुझे काफी सारी स्पेस मिल रही थी, तो मुझे ये चीज तो पता थी कि मुझे इस एरिया को, अपना जो शूट एरिया है, मुझे बनाना ही बनाना है. तो इसके लिए मैंने इसको बहुत ज्यादा भरा नहीं है, बिकॉज समटाइम्स यू नो ब्रांड्स एक्सपेक्ट कि क्लीन एकदम व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए. तो वैसे तो मेरे पास काफी सारे बैकग्राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, बट आई वॉन्ट कि एक सॉर्टेड क्लीन बैकग्राउंड भी हो, ताकि अगर मुझे ड्रेस की पिक्चर लेना हो या ऐसा कुछ करना हो उसके लिए ईजी रहे. तो इसलिए मैंने इसको एकदम प्लेन क्लीन रखा है, सिर्फ कॉर्नर में थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है. साइड में आई हैव केप्ट वन चेयर, ये वो वाली चेयर है जो मुझे रेड ओक वालों ने एज अ PR प्रोडक्ट सेंड किया हुआ था. ये मल्टी कलर वाली है, इसके ऊपर मैंने पिंक, लाइट पिंक कलर का थ्रो डाल दिया है जस्ट कलर चेंज करने के लिए. तो अब हम वापस से आ गए हैं अपने बेड साइड एरिया की तरफ. तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द होल टूर ऑफ माई रूम एंड आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है. तो हम लोगों ने ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये हम लोगों ने वुडवर्क इस रूम में करवाया है. एक तो ये और दूसरा ये वार्डरोब वाला एरिया, दैट्स इट. तो ये इतना वुडवर्क इस रूम का है एंड उन्होंने बहुत अच्छे से फिनिशिंग से कराया है. एंड हम लोगों ने हैंडल्स ना लगवा के नॉब्स लगवाए हैं. जो नॉब्स मेरे ड्रेसिंग टेबल में लगे हुए थे ऑलरेडी, हमने वही नॉब्स यहाँ पर भी लगाए हैं. सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. डेफिनेटली कॉमेंट जरूर करिएगा, कॉमेंट से बहुत ज्यादा यू नो मोटिवेशन मिलती है. अभी मेरे और मेकओवर्स आने वाले हैं. लिविंग रूम जो पूरा मेकओवर है वो बचा है, उसके बाद जो सेकेंड बेडरूम है वो बचा है, किचन बचा है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे अब शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज मेरा सब कुछ कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है. सो येस, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें से कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है, कौन सा कॉर्नर आपको बहुत अच्छा लगा है. एंड येस दैट्स इट. अगर आप इनमें से कोई भी चीज रिक्रिएट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा, मुझे टैग जरूर करिएगा. आई वुड लव टू सी देम एंड उसके बाद मैं उसको जरूर अपने स्टोरीज में शेयर करूंगी. सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.